भाजपा भाजपा जिंदाबाद भाजपा भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद। लोजपा भाजपा की सरकार, लोजपा भाजपा एक है और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ लोजपा चुनावी मैदान में उतर चुकी है। जैसा कि चिराग पासवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस बार के चुनाव में लोजपा अकेले मैदान में तो उतरेगी, लेकिन लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ वो लड़ेगी और होता भी वही नजर आ रहा है। लोजपा उम्मीदवारों के नामांकन में लोजपा के कार्यकर्ता एक तरफ लोजपा भाजपा की सरकार और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। लोजपा भाजपा जिंदाबाद लोजपा भाजपा जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। दरअसल चिराग पासवान ने इस बार नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उतार फेंकने के संकल्प के साथ 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है और जदयू को धूल चटाने के लिए चिराग ने बीजेपी के ही बागी नेताओं को हथियार बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के वो नेता जो 2015 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार जदयू के खाते में सीट जाने की वजह से जिनका टिकट कटा है, चिराग ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल करा टिकट देना शुरू कर दिया है। यानी चिराग ने भाजपा के नेताओं को ही जदयू के उम्मीदवारों के सामने खड़ा कर एक बड़ी चाल चल दी है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो सासाराम विधानसभा सीट से लोजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरने आए रामेश्वर चौरसिया और उनके समर्थकों की है। 8 अक्टूबर को जब नामांकन भरकर पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया बाहर निकले तो लोजपा समर्थकों ने लोजपा भाजपा एक है और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों के साथ लोजपा भाजपा सरकार की बात कही। भाई जब जनता में और कार्यकर्ता में मैसेज है कि लोजपा भाजपा एक ही है, पार्टी गठबंधन जो भी हो, तब मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और लोग कहते हैं मोदी जी का नाम फूट, अरे भैया मोदी जी का नाम तो पूरा विश्व ले रहा है, वो तो देश के प्रधानमंत्री है, किसी पार्टी के थोड़े ही मोदी जी है। तो आप भी मोदी जी की बड़ाई करो, हम भी कर रहे हैं। अगर मोदी जी की योजनाओं को सासाराम में लागू किया होता, पता नहीं ये 30 साल से 35 साल से यहाँ विधायक हैं, ऐसे कचरा, इतना गंदा शहर तो मैंने कहीं नहीं देखा। मैं तो पूरी दुनिया में घूमता हूँ, पूरे देश में घूमता हूँ। अब नोखा में चले जाइए, बगल में जब से मैं विधायक बना, सासा नोखा नासरीगंज और राजपुर में देखिए पीसीसी सड़कें हैं। 20 साल पहले 3 इंच जो सड़कें बनाई थी, आज भी साफ सुथरी है। और यहाँ रोज पैसे आते हैं, रोज भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। आज सासाराम कीचड़ का कीचड़ है। सासाराम के उद्धार के लिए, यहाँ के जिला हेडक्वार्टर के उद्धार के लिए, ये देख करके मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं कि शेर शाह सूरी की नगरी आज से 500 साल पहले उस व्यक्ति ने 6 साल में पूरे हिंदुस्तान की फिजा बदल दिया। आज नौटंकी करते हैं कि 15 साल दिए और हमें दीजिए काम पर। कौन सा आपका काम दिख रहा है? पूरे 7 हिस्से में भ्रष्टाचार दिख रहा है। गांव-गांव दारू खुलवाए, बाद में दारू बंद कर दिया, अब घर घर में दारू भिजवा रहे हैं। आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। जब दारू बंद है तो दारू बिहार में मिलती कौन है, इसके लिए कौन जिम्मेवार? तो इन सब ढकोसलापन के लिए हम लोग हैं। आपको बता दें कि रामेश्वर चौरसिया बीजेपी के टिकट पर सन 2000 से 2015 तक नोखा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में राजद के उम्मीदवार से भी हार गए थे। इस बार यह सीट जदयू के खाते में चली गई है, जिस कारण नाराज चौरसिया जी ने भाजपा छोड़ लोजपा का दामन थाम लिया है और ठोक दी है ताल इस बार सासाराम सीट से जदयू के खिलाफ।